सुरभि ज्योति को आया गुस्सा, और गुस्सा क्यों आया गुस्सा मैं बताऊंगी अपनी आज की इस वीडियो में, चलते फिर अपने आज के इस टॉपिक पर। गाइस जैसा कि आप लोगों को पता है कि जितने भी मतलब सुरभि ज्योति और पल्लवी पुरी के फैंस हैं वो नागिनी के बाद सुरभि ज्योति और पल्लवी पुरी को एज अ कपल ही देखना चाहते हैं, और बहुत सी न्यूज़ आ गई हैं कि ये लोग एक दूसरे को डेट कर रहे हैं, ये लोग एक साथ शादी करने वाले हैं, मतलब ये लोग एक साथ मतलब यहाँ हैं। तो लेकिन गाइस सुरभि ज्योति ने इन सब सवालों का ही जवाब दिया है। सुरभि ज्योति ने जब कबूल है किया था तो तब भी सुरभि ज्योति ने कहा था कि उनका नाम करण सिंह ग्रोवर के साथ जोड़ा गया था, जिसमें उन्होंने करण को कहा था, तो करण ने कहा था कि यहाँ से ये सब चलता है तो तुम परेशान मत हो। तो जब नागिन थ्री में पल्लवी पुरी के साथ उन्होंने काम किया तो फिर उनका नाम पल्लवी पुरी के साथ जोड़ा गया, तो उन्होंने समझ लिया क्योंकि नागिन थ्री से सुरभि ज्योति ने कहा कि ये मेरे लिए नॉर्मल है, मुझे पता है कि मेरा नाम बहुत से लोगों के साथ जोड़ना चाहते हैं जोड़ा गया है, और बहुत से लोग मतलब जो मेरे फैंस हैं वो देखना चाहते हैं मुझे किसी के साथ, और वो चाहते हैं कि मैं शादी कर लूँ। लेकिन गाइस ऐसा कुछ भी नहीं है, सुरभि ज्योति ने कहा है कि जब पल्लवी पुरी के साथ अब मेरा बहुत ज़्यादा नाम जोड़ा जा रहा है जिसकी वजह से मुझे कभी कभी थोड़ा गुस्सा भी आ जाता है, लेकिन फिर मैं बोलती हूँ कि ये तो सब चलता ही है, ये सब होता है यहाँ पर, सबका एक दूसरे के साथ नाम जोड़ा जाता है, लेकिन ऐसा होता नहीं है, सच्चाई असल में वही होती है जो होती है। इसलिए सुरभि ज्योति ने फिर मतलब इन बातों को नॉर्मल लेना शुरू कर दिया है, इसलिए अब वो पल्लवी पुरी के साथ जब फैन उनका नाम जोड़ते हैं तो वो भी अब इस बात को नॉर्मल लेती हैं। जब उनका नाम करण के साथ जोड़ा गया था तब भी उन्होंने नॉर्मल लेना शुरू कर दिया था जिनके साथ उनका नाम जोड़ा जाता है, तो अब वो इस बातों को नॉर्मल लेना शुरू कर दी हैं। लेकिन उनको गुस्सा बहुत आया था जब उनका नाम पल्लवी पुरी के साथ बहुत जोड़ा जा रहा था, लेकिन अब वो ठीक है। तो गाइस आप लोग क्या चाहते हैं वाकई कि सुरभि ज्योति और पल्लवी पुरी एक कपल बन जाए या वो शादी कर लें एक साथ, मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा, और आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लगी मुझे भी कमेंट में जरूर बताइए।